नेशनल हाईवे 27 कानपुर कोटा हाईवे पर चंगेज पहाड़िया के पास दो वाहनों की हुई भिड़ंत, एक की मौत, 10 घायल, घायलों को शिवपुरी रेफर किया। करेरा से खबर, जहां पर सचिन गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार गुप्ता उम्र 36 साल निवासी भौती ने उपस्थित करेरा थाने में रिपोर्ट लिखाई कि मैं उमंग गुप्ता अपनी कार से झांसी से भौती आ रहा था। हमारे आगे एक गाड़ी में मेरे चाचा का लड़का शरद गुप्ता और पुत्र दिनेश गुप्ता उम्र 30 साल निवासी भौती, राजू वंशकार, राजोझा, मदन जाटव, माता दीन जाटव, दीपक कोरी, प्रताप आदिवासी, कृष्णा वंशकार, दीपक जाटव, नरेंद्र आदिवासी और जनार्दन लोधी बैठकर झांसी से भौती शादी के लिए अपने घर वापस आ रहे थे। तभी आपको बता दें कि 3:30 बजे की बात है, जैसे ही गामा करेरा रजनी वाटिका के पीछे हाई बस बाईपास पर पहुंची तो डंपर के चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए बिना इंडिकेटर जलाए ही अचानक रोक दिया, जिससे पीछे से आ रही गामा डंपर में टकरा गई। टक्कर लगने से गाड़ी में बैठे शरद गुप्ता को चोट आई, उनकी मौके पर मौत हो गई। अन्य सभी लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में करेरा इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं ASI हरबीर सिंह ने घायलों को शिवपुरी रेफर किया और चचेरे भाई शरद गुप्ता की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।